फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का। ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के 50 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री की, जिसकी आवाज के जादू, नृत्य की अदाओं और अभिनय ने वो मुकाम हासिल किया जिसको आज तक बड़ी खूबसूरती के साथ देखा जाता है। इस अभिनेत्री की जिंदगी कड़े संघर्षों से जूझते हुए सफलता के शिखर पर पहुंची। इनकी सादगी और लाजवाब अदाकारी के जादू ने इनको सफल अभिनेत्रियों के टॉप पायदान पर बिठा दिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको अपने नाम की वजह से मुस्लिम होने का दंश झेलना पड़ा, और कैसे भरतनाट्यम डांस सीखने के लिए क्यों इस अभिनेत्री की कुंडलियों को मिलाया गया। कैसे कम उम्र में माँ बाप के निधन के बाद अपनी चारों बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, और कैसे इस अभिनेत्री के इश्क में एक बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता की शादी टूट जाने के बाद भी इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। आज तक लोगों के मुंह से मैं सिर्फ दूधकार ही सुनती रही हूँ अपने लिए। एक ऐसा नाम जिसने 50 के दशक में अपनी शख्सियत की ऐसी छाप न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि कला के क्षेत्र में छोड़ी जिसका कोई जवाब नहीं, जिसके जीवन में कड़े संघर्ष तो आए लेकिन उन संघर्षों को ही अपना साथी बनाकर इस कदर अपने जीवन में उतारा कि आज वो शख्सियत एक खूबसूरत कहानी का हिस्सा बन गई। पचास के दशक में ये अभिनेत्री अपनी खूबसूरती, चार्म और हुनर से पूरी दुनिया को यूं कायल कर रही थी कि आज भी उनका नाम का जिक्र होते ही करोड़ों दिलों की धड़कने धड़कने पर मजबूर हो जाती है। और वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान थी। वहीदा रहमान ने कड़ी मेहनत और अपने मुखर अंदाज से शोहरत की हर बुलंदियों को छुआ, लेकिन वहीदा के लिए अर्श से फर्श तक का सफर इतना आसान न था। कभी मुस्लिम होने की वजह से वहीदा को डांस की तालीम के लिए इनको भटकना पड़ा, तो कभी अपने ही बेबाक अंदाज के चलते कई पिक्चरों से हाथ धोना पड़ा। आज अपने इस शो में हम आपको खूबसूरत वहीदा रहमान से रूबरू कराएं, उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इनके परिवार, पढ़ाई लिखाई और शुरुआती सफर के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवल के इस एपिसोड में। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक साधारण परिवार में हुआ था। वहीदा के पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान ब्रिटिश इंडिया कंपनी में सिविल सर्वेंट थे और उनकी मां का नाम मुमताज बेगम था, जो एक घरेलू महिला थीं। वहीदा के अलावा इनकी 3 बहनें शाहिदा, सईदा, जाहिदा हैं। इस परिवार का भारतीय हिंदी सिनेमा जगत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वहीदा बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि वहीदा के छोटेपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद पूरे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। वहीदा को अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए 11 साल की उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखना पड़ा और उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों से अभिनय की शुरुआत की। वहीदा ने एनटी रामा राव की फिल्म जय सिम्हा में पहली बार बतौर मुख्य भूमिका में अपनी सहभागिता निभाई। इस फिल्म में काम करने के बाद छोटी वहीदा रहमान के पास तमिल तेलुगु फिल्मों के ऑफर्स आ गए। हालांकि पहली बार फिल्म में उन्होंने बतौर डांसर काम किया था, उनके इस डांस की काफी जमकर प्रशंसा हुई। इधर वहीदा ने फिल्मों में शुरुआत की ही थी,
तो वहीं उस समय हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता और अभिनेता गुरु दत्त अपनी फिल्म सीआईडी के लिए अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। गुरु दत्त इत्तेफाक से उस समय एक डांस प्रोग्राम में अतिथि के तौर पर गए थे, जहां वहीदा को पहली बार गुरु दत्त ने देखा। वहीदा की खूबसूरती और शालीनता को देखकर उनको अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने का सोचा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनसे संपर्क किया गया और उनको फिल्म के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। टेस्ट में पास होने के बाद वहीदा को फिल्म सीआईडी की हीरोइन चुन लिया गया और ये फिल्म इनकी पहली हिंदी फिल्म बनी। लेकिन वहीदा को इस फिल्म से वो पहचान नहीं मिली, तो ऐसे में इनको गुरु दत्त जी की दूसरी फिल्म प्यासा मिल गई और इस फिल्म की सफलता से वहीदा को वो पहचान मिली जिसकी तलाश में वहीदा थी। हालांकि इस फिल्म में इनके साथ दूसरी अभिनेत्री माला सिन्हा भी थी, जिनके काम की भी काफी तारीफ हुई थी। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, अभी भी मेरे पति आ जाएंगे, उससे पहले तुम्हें ये नज़में बेचनी ही पड़ेंगी। नहीं, मैं तुम्हें 1000 दूंगी, 2000 दूंगी, मैं 3000 दूंगी, 30000 दूंगी। फिल्म प्यासा की कामयाबी के बाद वहीदा की सफलता का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वहीदा ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें कई फिल्मों के लिए उनको कई सम्मानों से नवाजा गया। 70 साल से अपने फिल्मी सफर में वहीदा रहमान ने लगभग 100 फिल्मों में शानदार काम किया, जिसमें उनकी पहली पसंद सीआईडी, गाइड, प्यासा, साहिब बीवी गुलाम, 20 साल बाद, पत्थर के सनम, प्रेम पुजारी, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, चांदनी, रंग दे बसंती, ओम जय जगदीश, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में अपनी खूबसूरती और जबरदस्त अभिनय की अदाकारी दिखाई। वहीदा रहमान ने जिस वक्त हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, वो समय वहीदा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उस जमाने में मशहूर अभिनेत्री मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस का सिक्का चलता था और वहीदा ने इन्हीं अभिनेत्रियों के बीच रहते अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अपनी अलग और मजबूत जगह बनाई और उस दौर के सुपरस्टार देवानंद, राज कपूर, सुनील दत्त, राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया और उनके बराबर ही लोकप्रियता हासिल की। उनकी सदाबहार अदाकारी के लिए उन्हें 2021 में 85 साल की उम्र में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वहीदा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये था वहीदा का शानदार जबरदस्त फिल्मी सफर। आइए अब बात करते हैं वहीदा के निजी जीवन और कुछ विवादों की, जिसकी वजह से आज भी वहीदा रहमान सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीदा का जीवन बचपन से लेकर जवानी तक आसान न था। एक समय था जब उन्हें मुस्लिम होने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। 50 के दशक की ब्यूटी क्वीन वहीदा रहमान ने दर्शकों के दिलों पर अपनी अदाकारी का जादू तो जमकर बिखेरा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस अदाकारा की एक अदा पर लाखों दिल फिदा थे, उसने अपने भरतनाट्यम नृत्य की कला से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना कायल बनाया था। उसे एक मुसलमान की बेटी होने का कर्ज अदा करना पड़ा। जी हाँ, आप भी हैरान हो गए कि कैसे इतनी बड़ी अदाकारा और डांसर को एक मुस्लिम होने का दंश झेलना पड़ा। दरअसल वहीदा ने उस दौर में नाचने गाने की शुरुआत की थी, जब मुस्लिम परिवारों में ये सब अच्छा नहीं माना जाता था और अपनी अम्मी से डांस सीखने की जिद किया करती थी। इसी जिद की वजह से जब उनकी अम्मी भरतनाट्यम के मशहूर गुरु जयलक्ष्मी आलवा के पास उन्हें लेकर गईं, तो उन्होंने वहीदा का नाम सुनकर ही उन्हें डांस सिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन वहीदा डांस सीखने की जिद पर अड़ गईं और तब वहीदा की जिद देखकर गुरु लक्ष्मी का दिल पिघल गया। लेकिन उन्होंने वहीदा के अम्मी के सामने एक शर्त रख दी कि पहले वहीदा की जन्म कुंडली वो देखेंगे, उसके बाद डांस सिखाने पर फैसला लेंगे। लेकिन वहीदा के पास ऐसी कोई भी जन्म कुंडली नहीं थी
और जिसकी वजह से बात एक बार फिर से बिगड़ गई। लेकिन वहीदा को भरतनाट्यम सीखने की रट लगी हुई थी और उनके डांस के प्रति ये जिद देखकर लक्ष्मी गुरु ने खुद ही उनकी कुंडली बनाने का फैसला किया और कुंडली बनाने के बाद ही उसको देखकर फैसला करेंगे। सारी जानकारी लेकर कुंडली बना ली और जब लक्ष्मी गुरु ने उनकी कुंडली देखी तो वो बहुत खुश हो गईं, क्योंकि वहीदा ही उनकी वो आखिरी शिष्य थी जो उनसे भरतनाट्यम की तालीम लेकर पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन करने वाली थी। इसके बाद वहीदा का भरतनाट्यम का सफर शुरू हुआ। वहीदा अपने दम पर संघर्ष कर कुछ कर गुजरना चाहती थी। यही कारण था कि कई चुनौतियों के बाद वहीदा ने एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ कला और नृत्य की दुनिया में अपना नाम कमाया। लेकिन वहीदा के लिए 50 के उस दौर में अपनी शर्तों पर एक मुकाम हासिल करना आसान न था। दरअसल वहीदा के करियर की शुरुआत थी पहली फिल्म CID से। CID में उन्हें अभिनय का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन को लेकर वहीदा को आपत्ति थी, जिसका उन्होंने खुलकर विरोध भी किया था। फिल्म के एक सीन में वहीदा के सीने से दुपट्टा झटके से नीचे सरकना था और उस दुपट्टे के नीचे उन्हें फटा हुआ डीप नेक ब्लाउज पहनना था। वहीदा को जब इस सीन के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे करने से कतई इनकार कर दिया और फिल्म से बाहर तक जाने की बात कह डाली। वहीदा की बात और विरोध के आगे फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी जिद के आगे झुक गए और उन्होंने इस सीन को बदल दिया। बस तभी से निर्माता, निर्देशक और एक्टर गुरुदत्त को उनकी बोल्ड अदाएं दिल को भानी शुरू हो गयी। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद से ही गुरुदत्त वहीदा रहमान के इश्क में पड़ गए थे। इस फिल्म की कामयाबी और वहीदा और गुरुदत्त की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और समय के साथ साथ दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब गुरुदत्त वहीदा के प्यार में इस कदर उलझ गए कि वो उनके लिए फिल्म में खुद स्पेशल सीन लिखने लगे। सेट पर दोनों का मेकअप रूम भी आसपास हुआ करता था, जहां किसी को आने जाने की सख्त मनाही थी। अब दोनों के बीच करीबियां इतनी बढ़ गई थीं कि शादी के चर्चे होने लगे। ये लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है। जबकि गुरुदत्त पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके चलते गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त को जब दोनों के रिश्तों के बारे में पता चला तो वो गुरुदत्त से अलग रहने लगी और गुरुदत्त के लाख मनाने पर भी नहीं मानी। पत्नी और प्रेमिका में से किसी एक को चुनने की शर्त रखे जाने पर गुरुदत्त बीच मझधार में फंस गए। काफी सोच विचार के बाद गुरुदत्त ने वहीदा रहमान का दिल आखिरकार तोड़ दिया और उनसे अपनी राहें अलग कर ली। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए और जिसकी वजह से वहीदा की याद में तड़पते तड़पते उनकी जान निकल गई। गुरुदत्त से प्यार में धोखा खाने के बाद वहीदा भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। कुछ समय गुजरा और वहीदा रहमान ने खुद को जैसे तैसे संभाला और एक बार फिर से फिल्मों की तरफ रुख किया। तुझे भुला देंगे अपने दिल से, और सत्यजीत रे की फिल्म में काम किया। बैक टू बैक, कोहरा, 20 साल बाद जैसी सुपरहिट फिल्में दे डाली। 1960 का दशक वहीदा रहमान के करियर का सबसे महत्वपूर्ण समय रहा और उस दौरान वहीदा की सफलता उनके आगे चल रही थी, जिसका असर ये हुआ कि वहीदा हिट पर हिट फिल्म देने वाली इकलौती एक्ट्रेस बन गई और वो उस दौर में अपनी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा पैसे चार्ज भी करने लगी थी। इसके बाद वहीदा की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और इसी को देखते हुए उन्हें 1965 में फिल्म गाइड में कास्ट किया गया। हालांकि फिल्म में रोल एक क्रिश्चियन लड़की का था, लेकिन जब डायरेक्टर को पता चला कि वहीदा को अंग्रेजी नहीं आती है तो उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया।
लेकिन देवानंद की जिद की वजह से डायरेक्टर को झुकना पड़ा और वहीदा रहमान को फिर से इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया। फिल्म में देवानंद और वहीदा की जोड़ी ने कमाल कर दिया। फिल्म को दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार दिया। फिल्म सुपरहिट हो गई और इस फिल्म के लिए वहीदा को पहली बार उनके करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। वहीदा रहमान के पास सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो वो था एक हमसफर। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देख। गुरुदत्त से अलग होने के बाद इनका नाम किसी के भी साथ नहीं जोड़ा गया। वहीदा जब अपने फिल्मी करियर के पीक पर थी तो वहीदा ने एक्टर शशि रेखी, जिनकी पहचान बॉलीवुड में कमलजीत के नाम से होती है, उनके साथ कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 1974 में शादी कर ली। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुख। इस शादी से वहीदा को दो संतान सुहेल रेखी और कश्वी रेखी के रूप में हुई। दोनों ही बच्चे अब जाने माने राइटर्स हैं। शादी के बाद वहीदा ने फिल्म जगत को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। कुछ समय बाद उन्होंने वापसी करना चाहा तो उन्हें साइड रोल दिए जाने लगे। 1991 में रिलीज हुई फिल्म लम्हे में दाई जान का रोल प्ले करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि इसके बाद कभी खुशी कभी गम से वो वापसी करने वाली थी, लेकिन नवंबर 2000 में उनके पति की मौत हो गई और फिल्म में उनका ये रोल जया बच्चन ने निभाया। पति की मौत के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए काम छोड़ दिया। इसके बाद 2002 में वो ओम जय जगदीश फिल्म से उन्होंने कमबैक किया। इसके बाद रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म 2021 की स्केटर गर्ल थी। और मेरे ख्याल से ये पहली फीमेल डायरेक्टर है जिसके साथ मैंने काम किया। तो दोस्तों, ये था चार्म, हुस्न और हुनर की दास्तान वहीदा, जिसने बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन शौकिया तौर पर पैरों में बंधे घुंघरू ने अभिनय की दुनिया में उन्हें ऐसा नाच नचाया कि आज वहीदा रहमान का नाम पूरे बॉलीवुड में गूंजता है। उनकी हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान है। अपनी इसी पहचान को बनाने में वहीदा रहमान को सफलता और असफलता के सागर के बीच से गुजरना पड़ा। जितनी चर्चा इनके काम की थी, उतनी ही चर्चा इनके प्रेम कहानी की भी रही। लेकिन गुरुदत्त के निधन के बाद ये प्रेम कहानी भी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अब वहीदा 86 साल की हो चली हैं और वो इस उम्र में अपनी जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जी रही हैं। वो मुंबई में रहती हैं और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखती हैं, लेकिन कभी कभी ये कुछ फेमस टीवी शोज में नजर आ जाती हैं। हिंदी सिनेमा का 14वीं का चांद पद्मभूषण वहीदा रहमान हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। हिंदी सिनेमा का जब तक वजूद रहेगा, वहीदा रहमान उस पर हमेशा अव्वल नंबर पर रहेंगी। बॉलीवुड नॉवल की पूरी टीम वहीदा रहमान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। वो जहाँ भी रहें, हमेशा यूं ही जगमगाती रहें। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम। आपको वहीदा रहमान का शो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वहीदा रहमान से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर रह गई है तो हमें उसके लिए माफ करें। और अगर आपके पास वहीदा रहमान से जुड़ी कोई भी बात या जानकारी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर साझा करें। आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही एक और सच्ची बायोग्राफी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। का चांद या आफताब।